अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमने मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम शुरू करना है। सो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट हैविंग एन आइडिया ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने पहले पढ़े हुए थे उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो बोन आती है, जॉइंट आता है दो बोन्स के मिलने से, और फिर उसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, वो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको, ये जो पहला लेक्चर है ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, आज आपको दो लेक्चर्स करवाऊंगा मैं। जो पहला लेक्चर है दैट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जो दूसरा लेक्चर है उसके अंदर हम प्रॉपर पैथोलॉजी पढ़ेंगे। सो इसलिए मैं आपको दूसरे लेक्चर तक लेके जाऊँगा, ज़्यादा मेरा फोकस ये है। इसको हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे और एक दफ़ा इसको स्क्रीन करेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी समझने वाली हैं। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट वगैरह सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, बाकी इससे आप फेमिलियर हैं, अपनी एनाटॉमी वगैरह पढ़ी होगी और इसके अंदर सारा कुछ आपने इसमें देखा होगा। अच्छा, बोन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का, मतलब कंटिन्यूसली बोन जो है वो रिजॉल्व हो रही होती है, बोन रिप्लेस हो रही होती है, नई बोन आके आ रही होती है वहाँ पे, वो कैसे आ रही होती है, कैसे रीमॉडलिंग हो रही होती है, उसके लिए सेल्स ऑफ बोन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आ जाते हैं। प्रोजनी का मतलब क्या होता है, प्रोजनी का मतलब होता है, प्रोजनी का मतलब क्या होता है, प्रोजनी का मतलब होता है एक तरह से के काइंड ऑफ जनरेशन दैट कम्स फ्राम समवन, ठीक है, प्रोजनी उसे कहते हैं। सो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स वो हैं जो स्टेम सेल्स हैं, यानी कि जो और सेल्स बनाएंगे बोन के, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा से को स्टिमुलेट करके और बाकी सेल्स बनाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ सेल्स बना रहे होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हमारा इस वक्त नहीं है क्योंकि उसका पैथोलॉजी में एज सच इतना डायरेक्ट रोल नहीं है, एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस। तो हम पहले फ़िलहाल इन सारों के नाम देखेंगे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं, लेकिन पहले हम सेल्स देख लेते हैं। सो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं जिनसे बाकी और सेल्स बन रहे हैं, और कौन कौन से सेल्स बन रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स बन रहे हैं और ऑस्टियोसाइट्स बन रहे हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पे जब पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन आके उसके ऊपर एक्ट करता है तो ब्लड से कैल्शियम निकालता है और उसको बोन में डाल देता है, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट एक तरह से बोन बना रहा होता है। ऑस्टियोसाइट वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जिसके इर्द गिर्द बोन मैट्रिक्स पूरी तरह आ जाए, इर्द गिर्द उसके बोन बन चुके हो, यानी कि बोन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है और बाकी जो मिनरल्स होते हैं बोन के वो होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट मैक्रोफेजेस की सेल टाइप्स में से है, और पैराथायरॉइड का जब इस पे, पैराथायरॉइड हार्मोन जब इस पे एक्ट करता है तो ये कैल्शियम बोन की निकाल के उसे ब्लड में डालता है, यानी कि ये बोन को बोन रिजॉर्प्शन में ये कर रहा होता है। सो ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन खाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन बनाएगा, और ऑस्टियोसाइट जो है वो बोन है, ठीक है, और ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स इन सेल्स को बनाएंगे। अच्छा, अब कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं बोन्स के अंदर, एक तो ये है कि टाइप वन कॉलेजन 90% होती है, फिर सेल एडहीन प्रोटीन्स होती हैं जिसमें ऑस्टियोपोन्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बोस्पोन्टिन आ जाती हैं। ये जो आपने सेल जंक्शन की टाइप्स में हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा अपने थर्ड सेमेस्टर में, कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जो सेल्स को आपस में मिला के रखती हैं। फिर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑस्टियोनेक्टिन, साइलो प्रोटीन होती हैं। फिर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन मिनरलाइजेशन, ऑस्टियोकैल्सिन। फिर एंजाइम्स होते हैं जो बोन से रिलेटेड होते हैं, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज और कोलेजिनेज होता है। और इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स, यहाँ पे आगे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फिर साइटोकाइंस और केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इन सेल्स के बीच में, प्रोस्टाग्लैंडिंस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, रैंक लाइगेंड वगैरह। फिर इसके अलावा और प्रोटीन्स होती हैं जो सीरम में होती हैं, माइक्रो
ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर्स की बात होगी, ये सारी की सारी चीज़ें, इस तरह की प्रोटीन्स जो होती हैं वो बोन की स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में और बोन के अंदर सिग्नलिंग को क्या उसे कहते हैं, मेक श्योर करने के बोन के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ये केमिकल्स और ये प्रोटीन्स के अंदर यूज़ होती हैं। इसके अलावा बोन्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट है, मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट है। उसके अंदर हाइड्रोक्सीएपेटाइट मिनरल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फिर बोन किस तरह की होती है, एक स्ट्रॉ कॉम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है। आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी में शायद पढ़ा होगा कि कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन की क्या डिफरेंस है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन डेंस होती है और बाहर की तरफ होती है, कॉर्टिकल होती है, स्पॉन्जी बोन थोड़ी अंदर को होती है और इसको कैंसलस या मेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एक वोवन और लेमेलर बोन होती है, ठीक है। ये इतना ख़ास अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जो हैं वो इवेंचुअली ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ये वही सेल्स के बारे में बात हो रही है जो भी आपने पीछे स्लाइड में पढ़े थे यहाँ पे। सो ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, एक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो फिर इवेंचुअली जब वो कैल्शियम ब्लड से लेके बोन में डालते हैं तो वो ये जो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं जिसके इर्द गिर्द बोनी मैट्रिक्स होता है। और कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं उनके ऊपर जब हार्मोनल या मुख्तलिफ केमिकल्स एक्ट करते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट बन जाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकाल के मतलब बोन को तोड़ा होता है, और जब तोड़ा होता है तो उससे कैल्शियम ब्लड में जा रही होती है। तो कुछ जो उसमें से बोन के टूटने से जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकलते हैं वो फिर आगे इवेंचुअली ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स बनाते हैं। तो एक तरह से ये खुद ब खुद साइकिल पूरा बोन के टूटने का और बोन के दोबारा जुड़ने का हर वक्त चलता रहता है। कैल्शियम का बैलेंस बोन में मेंटेन करने के लिए सॉरी बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये सारे के सारे सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग का आपको थोड़ा सा समझ आ गई होगी। ब्लास्ट्स क्या करें और क्लास्ट्स क्या कर रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स क्या कर रहे हैं और ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या कर रहे हैं, बेटा इसको भूलना मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है। इन सारी बातों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कर क्या रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है, उसके ऊपर ये आपको बताओ, और वो इवेंचुअली करता क्या है वो आपको बताओ। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर कैल्सिटोनिन एक्ट करेगा और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कैल्शियम बोन में लेके जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट करेगा और वो कैल्शियम बोन से वापस ब्लड में डाल देगा, ठीक है। सो ये एक पिक्चर है जिससे आपको उसके फंक्शंस पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको मसल्स वगैरह का तो पता होगा, या आपने सारे का सारा कुछ पढ़ा हुआ है अपनी एनाटॉमी में, इसमें कोई नई चीज़ एज सच नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी के क्या क्या होती है फिज़िकल एक्टिविटी, और फिज़िकल एक्टिविटी से किस तरह की आपको इम्पेक्ट होता है बोन्स के ऊपर और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बेसिकली ज़्यादा जो अब यहाँ पे जो थोड़ा सा टच आ रहा है या आगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का आ रहा है। सो अगर आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है थोड़ी सी तो आपको उसके बारे में आइडिया होगा, और वैसे जनरल फिजियोलॉजी भी है, बट जस्ट अ क्विक गो थ्रू। तो उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग या जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज होती हैं। फिर उसके साथ क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन होती है हर एक्सरसाइज के अंदर, और मसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और मसल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से कैल्शियम स्टोर इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, जब स्ट्रेच होते हैं तो मोबिलिटी ज़्यादा होती है, आपकी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और आसानी से होगी। हायलिन कार्टिलेज थोड़ी थिक होती है और साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एटीपी क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ब्रीदिंग करने से और तेज़ तेज़ हार्ट के पंप होने से ज़्यादा ब्लड जो है वो मसल्स में आना शुरू हो जाता है। लेकिन बजाय एटीपी बनने के वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और डिमांड है उसमें मुताबिकत नहीं रहती, ठीक है।
ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है बिकॉज द बॉडी इज़ वर्किंग रियली हार्ड, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी वजह से फिर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली उससे थोड़ी सी पेन भी होती है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्यूल्स बर्न होते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज, ग्लूकोज बर्न होता है, फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं, इवन अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर, और फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी देर तक एक्सरसाइज हो रही है, उसकी वजह से फिर आप को पता चल सकता है कि आया ग्लूकोज सिर्फ चाहिए होगी या फैटी एसिड चाहिए होंगे या इवन अमीनो एसिड चाहिए होंगे, ठीक है। सो ये दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा एजिंग की कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चेंजेस आ जाती हैं एजिंग के थ्रू, मिसाल के तौर पे मसल्स का साइज़ और मसल का कंट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाती है, उसको सार्कोपिनिया कहते हैं, ठीक है। मतलब मसल हल्का हल्का वेस्ट होना शुरू हो जाता है, उसकी अक्सर रीज़न ग्रोथ हार्मोन की कम प्रोडक्शन भी है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं है कि क्या ग्रोथ हार्मोन की कम प्रोडक्शन है या यूज़ नहीं कर रहे तो इस वजह से मसल छोटा होता जा रहा है। और जब सार्कोपिनिया होता है तो उसकी वजह से थकन भी ज़्यादा हो जाती है और लोग गिरते भी ज़्यादा हैं, ठीक है। और इवेंचुअली कई दफ़ा रेस्पिरेटरी मसल्स भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं सार्कोपिनिया की वजह से, तो फिर ब्रीदिंग उस तरह की नहीं होती जिस तरह की जवानी में हो रही होती है, बिकॉज ब्रीदिंग मसल्स चाहिए होते हैं। और जी आई ट्रैक्ट पर जब मसल्स सार्कोपिनिया इम्पैक्ट करना शुरू करता है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होना शुरू हो जाती है, बोन मास स्लोली स्लोली लूज़ करना शुरू कर देता है, ज़्यादा बोन रिजॉर्प्शन होने शुरू हो जाती है, बोन फॉर्मेशन कम होती है 30s के आसपास। फिर उसके बाद कार्टिलेज के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हाइड्रेशन होती है कार्टिलेज की, वो कम होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के आसपास भी जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर हाइड्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, और फिर उसकी कंप्रेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू होती है, उसकी वजह से थोड़ी सी हाइट भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इतना जो है वो हाइड्रेटेड नहीं रहती तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थोड़ी छोटी हो जाती है। और इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हैं ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम टू स्ट्रेस एंड ट्रामा। अगर आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को किसी उसके ऊपर कोई ट्रामा हो या कोई स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बड़ी जल्दी इम्पैक्ट होना शुरू होता है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हो, बहुत बंदा परेशान हो, कभी आपने अपने आप को एंग्जाइटी में देखा होगा कि आपकी मसल टोन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मसल जो है वो हर वक्त जो है वो थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड से रहते हैं, उसकी यू नो बॉडी जो है वो हर वक्त ऑन क्या उसे कहते हैं ऑन गार्ड होती है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, एंग्जाइटी में स्पेशली। तो वो एक ख़ास किस्म का स्ट्रेस है, बहुत देर तक ऐसे रहे तो फिर मसल जो हैं वो हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से टेंशन हेडेक शुरू हो जाती है और माइग्रेन हेडेक वगैरह भी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसमें सर के स्कैल्प के ऊपर के जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपको दर्द शुरू करवा देते हैं। फिर आपको पता होगा कि मुख्तलिफ एंग्जाइटी की मुख्तलिफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, दैट्स बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू गिव यू एट दिस पॉइंट, उसका ऐसा डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन जस्ट कुछ चीज़ों का आपको बता रहा हूँ कि आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इसके अलावा ट्रामा की वजह से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ट्रामा होता है, मसल इंजरी सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में होती हैं, और उसमें आप ऑब्वियसली शुरू में तो आपको थोड़ी देर क्या उसे कहते हैं अपने आप को मतलब रेस्ट करवाना होता है और वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर बहुत देर तक रेस्ट करते रहे तो ऑब्वियसली फिर मसल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा और एट्रोफी होनी शुरू हो जाएगी। सो लेकिन शुरू का रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी मसल का टीयर हो रहा हो और क्या उसे कहते हैं अगर आपने उसको अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दिया रेस्ट करने का तो वो दोबारा टीयर भी हो सकता है और फिर वहाँ पे ज़्यादा मसला भी हो सकता है और फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है मसल की वो कभी उतनी नहीं हो सकती जितनी पहले थी। सो इसलिए आपको मेक श्योर करना होता है कि प्रॉपर रेस्ट दिया जाए, प्रॉपर बॉडी इमोबिलाइज की जाए थोड़ी देर के लिए ताकि वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू आए और जौन सी भी हीलिंग प्रोसेस होना है सारे का सारा वो वहाँ पर हो और मसल स्ट्रेंथ वापस जितनी रीगेन हो सकती है होए। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स माशाल्लाह पता नहीं कौन से इनके डॉक्टर्स होते हैं, कौन से इनके क्लिनिकल स्टाफ है, हर थोड़ी देर बाद इंजर्ड हो जाते हैं और इनकी इंजरी ठीक ही नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल रही होती और वो इंजरी से अक्सर लोग बेचारे अक्सर लोगों का कैरियर ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वो वापस नहीं आ सकते उस इंजरी से। एनीवेज़,
लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस, उसमें से कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी और बाकी अगले लेक्चर में, जो कि अभी होगा, ठीक है। अच्छा, अब बोन डिजीजेज किस तरह के होते हैं? मुख्तलिफ तरह के बोन डिजीज हो सकते हैं, नीचे से शुरू कर रहा हूँ मैं। ट्यूमर हो सकता है बोन्स, फ्रैक्चर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बोन्स में। फिर इसके अलावा मिनरल मिनरलाइजेशन के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है जब क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, रीनल सिस्टम में क्रॉनिक रीनल फेलियर हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक इम्पैक्ट बोन्स के ऊपर भी हो रहा था। फिर रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये सारे के सारे मिनरल के डिफेक्ट्स हैं, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन के। फिर ऑस्टियोक्लास्ट की प्रॉब्लम की वजह से एक बीमारी होती है, उसे पेजेट्स डिजीज कहते हैं या ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस कहते हैं। फिर बोन मास अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अगर मेटाबॉलिक पाथवे जो बोन के अंदर है, जिसके अंदर एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, आयन चैनल्स यूज हो रही हैं, ट्रांसपोर्टर्स यूज हो रहे हैं, बायोकेमिकल पाथवेज जो हैं, अगर वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो ऑस्टियोपेट्रोसिस एक बीमारी होती है जो हो जाती है। फिर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो उनकी फोल्डिंग और डिग्रेडेशन होनी होती है, वो अगर डिफेक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी, एक स्पेशल बायोकेमिकल टाइप्स की बीमारी होती है जिसे म्यूको पॉलीसेक्रिडोसिस कहते हैं। फिर कॉलेजन या एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन में अगर डिफेक्ट हो तो टाइप 1 कॉलेजन डिजीज होता है, जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं, या टाइप 2, 10, 11 कॉलेजन डिजीज होते हैं। इसके अलावा हार्मोन और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में पहले से मसला हो जाए तो बोन ग्रोथ सही तरह से नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ डिजीज हैं, एकोंड्रोप्लेजिया एक है, थैनाटोफोरिया एक है। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में अगर डिफेक्ट्स हो जाए तो उसकी वजह से बोन ज़्यादा बन सकती है, कम बन सकती है, पॉलीडेक्टली और सिंडेक्टली और एब्सेंस ऑफ बोन भी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम पहली टाइप को देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में अगर डिफेक्ट हो जाए तो पॉलीडेक्टली, सिंडेक्टली और ओलिगोडेक्टली। पॉलीडेक्टली क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा उंगली आ रही है, सिंडेक्टली क्या हो रही है कि दोनों दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इनकम्प्लीट आधी जुड़ी हुई हैं, कम्प्लीट पूरी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ओलिगोडेक्टली जिसमें एक उंगली कम है। तो ये बेसिकली ये किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हो रही होती हैं, अगर उस वक्त सही सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो रही हो, सही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ना आ रहे हो, प्रोटीन्स के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो वो जो प्रॉपर सिग्नल्स नहीं जाते कि इतनी उंगली बननी है या यहाँ यहाँ से बननी शुरू होनी है या यूं लिम्ब ने आगे जाके यू नो डिजिट्स बनाने हैं, तो उसकी वजह से फिर या डिजिट ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे या जुड़े रह जाएंगे, विच आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज आई जस्ट मेंशन्ड। फिर इसके अलावा हार्मोन और सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये और ये दोनों ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से प्रोटीन बनना शुरू होती है, ठीक है। तो ये इस दोनों के अंदर वो बीमारियाँ होती हैं इन दोनों टाइप्स में जो बचपन में हो जाती हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के अंदर जब अभी बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त से बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। एकोंड्रोप्लेजिया ड्वार्फिज्म, जिसके अंदर लिम्ब्स शॉर्ट होते हैं, एकोंड्रोप्लेजिया का मतलब होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, एप्लेजिया का मतलब फॉर्मेशन ना होना, तो कार्टिलेज नहीं बनती, जब कार्टिलेज नहीं बनती तो फिर स्केलेटन सही तरह से नहीं बनता। और एकोंड्रोप्लेजिया एक तो मतलब तो इसका ये है कि कार्टिलेज फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन एकोंड्रोप्लेजिया एग्जैक्टली फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज में मसला नहीं होता, कार्टिलेज बनने के बाद उसकी जो बोन में कन्वर्शन है उसमें मसला हो रहा होता है और उसको ऑसिफिकेशन कहते हैं। सो जब वो बोन नहीं बनती तो फिर जो जो बोन ग्रोथ है या जो ऑसिफिकेशन है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन वहाँ पर नहीं होती, तो उसकी वजह से ड्वार्फ रह जाता है और वो फिर उसके लिम्स बड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है एकोंड्रोप्लेजिया की वजह से बच्चा जो है बड़ा नहीं हो रहा, इसकी लेग्स थोड़ी सी बोर्ड होती हैं, हैंड्स के नॉर्मल होंगे, स्टैचर इसका छोटा होगा, मसल टोन इसकी कम होगी और आर्म्स और लेग्स इसकी छोटी छोटी होंगी। सेनाटोफोरिया जो है, देयर इज सेनाटोफोरिक ड्वार्फिज्म, ये एक और तरह के ड्वार्फिज्म है, इसमें रिब केज बहुत छोटी रह जाती है और उस बहुत छोटे इसके अंदर लिम्ब्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन है, मतलब स्किन ने तो ग्रो करना है, वो स्किन के फोल्ड्स जो हैं वो उसके ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं जहाँ जहाँ आर्म्स और लेग्स ने बड़ा होना था, ठीक है। तो सेनाटोफोरिक में रिब केज का ज़्यादा मसला होता है। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, यानी कि कॉलेजन वगैरह, और अभी जो ऊपर प्रोटीन्स की इतनी बड़ी स्लाइड आपको दिखाई थी, उसमें अगर डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाएं तो क्या कुछ होता है, अब ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक इस तरह का डिजीज़ है जिसमें कॉलेजन टाइप 1 कॉलेजन में डिफेक्ट होता है तो ब्लू स्क्लेरा नज़र आती है। जब टाइप 1 कॉलेजन है तो वो सिर्फ एक बोन्स में तो नहीं होती ना, वो बाकी जगह भी होती है, तो आईज की जो स्क्लेरा होती है वो ब्लूइश नज़र आती है, बोन इतनी ब्रिटल सी होती है, सॉफ्ट सी होती है कि वो फ़ौरन टूटती जाती है, बार बार टूटती जाती है, जब वो बार बार टूटती जाती है तो उसकी वजह से
फोन फ्रैक्चर्स होते हैं और हियरिंग लॉस हो जाता है. आप अक्सर बोन डिजीजेज में देखोगे, अभी हम अगली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे कि हियरिंग लॉस हो रहा है. बेटा वो हियरिंग लॉस क्यों हो रहा होता है? वो हियरिंग लॉस बेटा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि मिडिल सॉरी इनर ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर मुख्तलिफ बोन्स होती हैं. उन बोन्स ने आपकी जो बाकी सारी ऑडियो वेव्स हैं जो आप सुन रहे हो, साउंड वेव्स हैं, वो सारी की सारी आगे पहुँचानी होती हैं, और उनकी स्पेसिफिक मूवमेंट के थ्रू आगे फिर एनर्जी पहुंचती है. सो अगर वो स्पेसिफिक मूवमेंट ही सही तरह से नहीं हो रही तो फिर क्या होगा? फिर माशाल्लाह से हियरिंग लॉस हो जाएगा क्योंकि ऑडिटरी मैकेनिज्म ख़राब होना शुरू हो गया. सो ये कंजेनिटल होता है, मतलब ये बीमारी जेनेटिक्स बेस्ड है, और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इसकी जेनेटिक ट्रांसमिशन है, या आपने अगर जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें मुख्तलिफ आपको पता होगा कि किस तरह से जीन्स जो हैं वो आगे जाते हैं. ऑब्वियसली एफएससी में पढ़ा होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव एंड ऑल दोस टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिससे पता चला सकते हैं कि इसके बच्चों को कितनी होगी, इससे आगे के बच्चों को होगी. रिसेसिव से पता चल जाएगा कि सिर्फ एक मदर से जाएगी या फादर से भी जाएगी बीमारी, वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें होती हैं, ठीक है. एनीवे, सो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज बेसिकली अ डिफेक्ट इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. सो ब्रिटल बोन डिजीज आप उसे कह सकते हैं. तो आप उसके अंदर बोइंग ऑफ नेक हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कर्वेचर जो है वो सही तरह से नहीं आ रहा, सही तरह से मेंटेन नहीं हो रहा. तो काइफोटिक स्पाइन हो रही है, स्क्लेरा जो है ये अगर आप देखें ये ब्लू सा हो रहा है, ठीक है. टीथ बहुत ब्रिटल से होते हैं, वो भी टूट जाते हैं, और फिर उसके अलावा बोन्स हैं वो डिफॉर्म्ड होती है. हियरिंग लॉस जो है वो शुरू होता है 20s और 30s तक जाके पहुँच के, तो आपको फिर तब जाके एक से पता चल रहा होता है. लेकिन स्क्लेरा आपकी शुरू में आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है. अब कोलेजन सिर्फ बोन्स में नहीं होती, तो और भी जगहों पे होती है, तो बाकी भी सिम्टम्स जो हैं उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं जो यहाँ के इस स्लाइड में नहीं दिखाए हुए. अब इसके अलावा एक और टाइप्स ऑफ डिजीज हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फोल्डिंग और डिग्रेडेशन के अंदर डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं. अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है. ये अब आपने बायोकेमिस्ट्री में शायद अगर क्लिनिकल पार्ट किया हो बायोकेमिस्ट्री में तो आपने उस वक्त थोड़ा सा इसको देखा होगा. तो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के अंदर वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, यू नो, उन बड़े मॉलिक्यूल्स को गैग्स कहते हैं, ग्लाइकोसामिन ग्लाइकन्स कहते हैं. ये फिर जब छोटे मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक डाउन किया जाता है इनका, तो ये फिर इवेंचुअली बोन कार्टिलेज और बाकी कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर ये एंजाइम्स डैमेज हो जाएं या एब्सेंट हों किसी भी वजह से, जो कि मोस्टली जेनेटिक रीजंस होती हैं, उसकी वजह से ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये वहाँ पे जमा होने शुरू हो जाते हैं, और इनका आगे जो फंक्शन है वो सही तरह से आप अचीव नहीं कर पाते, ठीक है. सो उसको म्यूकोपॉलीसैक्रिडोसिस कहते हैं, क्योंकि पॉलीसैक्राइड आपको पता होगा, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पॉलीसैक्राइड मोनोसैक्राइड मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो पॉलीसैक्राइड ज़रा बड़े वाले होते हैं, तो जब बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स नहीं टूटते तो वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो जमा होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ मसले होते हैं, ठीक है. प्रोग्रेसिव सेलुलर डैमेज शुरू हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस डैमेज होना शुरू होगी, ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू होंगे, सिस्टम्स डेवलप होना शुरू होंगे, और इवेंचुअली इवन ब्रेन में जाके भी इम्पैक्ट करता है. जहाँ जहाँ ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे नहीं, वहाँ वहाँ वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जिस जिस सिस्टम में और जिस जिस ऑर्गन में डैमेज हो गए उस जमा होंगे उस सिस्टम और उस ऑर्गन को डैमेज करेंगे, और वहाँ वहाँ के जो है साइंस एंड सिम्टम्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. सो इन्होंने नॉर्मली कुछ एंजाइम्स ने इनको तोड़ना होता है और या फोल्ड करना होता है, एटलीस्ट छोटा करना होता है, ताकि स्पेस और जगह जो है वो सही तरीके से ऑक्यूपाई करें और मसला ना क्रिएट करें. सो अगर ये बोन्स में हो जाए तो फिर ये मसला बोन्स में नज़र आना शुरू हो जाता है, और इसको लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं. अब मिसाल के तौर पर इसमें जो एंजाइम डैमेज हो सकता है वो अल्फा हाइड्रोनिडेज है, और इसकी वजह से ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स जो हैं वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ बोन्स में नहीं होगी, ये मल्टी सिस्टेमिक चीज़ होती है. अर्ली मॉर्टेलिटी, जल्दी डेथ हो जाती है, लेकिन इट्स वेरी रेयर. और अगर जो रेयर डिजीज हैं उनके बारे में मैं आपसे कम पूछा करूँगा, ये एक यू नो रूल ऑफ थम आप समझ लीजिएगा. जो कॉमन डिजीज हैं सबसे पहले आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा. रेयर डिजीज की अगर आपको डिटेल नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप पास हो सकते हो, लेकिन कॉमन डिजीज की नहीं आती तो फिर मसला है, ठीक है. तो इसमें ज़्यादातर हमने रेयर डिजीज की हैं,
ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज मोर कॉमन, बट बाकी डिजीज में वो रेयर है, लेकिन पॉलीडेक्टिली सिंडेक्टली इज नॉट दैट रेयर. बाकी जो डिजीज हैं वो सारे इसके अंदर रेयर है. ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर दैट आई वाज सपोज टू कवर इन द लास्ट लेक्चर. सो इसको अभी बंद करते हैं और अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं जो कि आज का मेन लेक्चर है. अच्छा, अब हम प्रॉपर पैथोलॉजी शुरू करने लगे हैं. प्रॉपर पैथोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे आपको नज़र आने शुरू होंगी वो बीमारियाँ जो ज़्यादातर आपको इर्द गिर्द मिलती हैं. अच्छा, क्या क्या बीमारियाँ हैं वो, हम वो डिजीज़ करने लगे हैं जो मेटाबॉलिक पाथवेज के जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं. सो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि एसिड बनाता होता है. जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से एक खास किस्म का डिजीज़ होता है. इसकी और भी वजह हैं, ऑस्टियोपेट्रोसिस उसे कहते हैं. ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या होता है, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं होता सही तरह से. ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन में मसला हो जाता है. क्या मतलब है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन जो है वो सही नहीं रहता. सो बोन जिसने टूटना था, बोन मॉडलिंग पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है. बोन ने टूट के नया बनना था, तो जो बोन को तोड़ने वाले सेल्स हैं जिन्होंने उसका होम्योस्टेसिस करवाना था कैल्शियम का, उन्होंने बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डालना था और बोन को मॉडलिंग और रीमॉडलिंग में हेल्प करना था, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के अंदर मसला आ गया है. और पीछे से मसला एक एंजाइम के अंदर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डेफिशिएंसी है एक टाइप के अंदर, और भी टाइप्स होती हैं. तो इसको मार्बल बोन भी कहते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस की वजह से, क्योंकि अगर बोन टूट ही नहीं रही तो इतनी सख्त होती, बड़ी बड़ी होती जाती है और मतलब ह्यूज सी बोन बन जाती है, तो उसको मार्बल बोन भी कहते हैं. एबनॉर्मल थिक हैवी बोन कहते हैं, स्क्लेरोटिक बोन कहते हैं, ब्रिटल बोन कहते हैं. अच्छा, अब वो बनती तो जा रही होती है, लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का जो आपस का बड़ा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट बैलेंस है वो बेसिकली सही तरह से मिनरलाइजेशन कर रहा होता है. मतलब जिस एरिया में बोन के जितनी कैल्शियम चाहिए होती है और जिस एरिया में बोन के जितना आपको जौन सा मिनरल चाहिए होता है उस एरिया में उतना मिनरल जाएगा, तो वो बोन उस तरह से सही तरह से स्ट्रांग होगी. तो वो बड़ी तो बहुत हो जाती है, हैवी भी बहुत हो जाती है, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग और उतनी सही नहीं रहती जितनी कि एक केयरफुली क्राफ्टेड बोन होती है और जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के परफेक्ट बैलेंस की वजह से होती है. अब यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो काम का नहीं रहा, तो बोन आसानी से फ्रैक्चर होगी, बड़ी बेसिक हो जाए लेकिन टूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी मिनरल्स जो उसके अंदर सही तरह से डिपॉजिट होने थे या निकलने थे या उसकी मॉडलिंग और रीमॉडलिंग होने थी, तो उसकी जो रिपेयर शिपेयर का काम चलना था नॉर्मली जो चलता रहता है हमेशा, तो वो नहीं सही तरह से हो रहा. फिर इसके अलावा बोन मैरो पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर जो वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जो कि बोन के अंदर बन रहे होते हैं, वो अब चूंकि बोन का अंदर जो बोन मैरो है वो उस तरह की रही नहीं है और बोन जो है वो उसका कंपोजिशन इस तरह की हो गई है कि वो अंदर से डिफेक्टेड है बोन इवन दो वो बड़ी है, तो उसकी वजह से फिर पैन साइटोपिनिया हो जाता है, यानी एनीमिया, रेड ब्लड सेल्स बिकम, प्लेटलेट्स बिकम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, वाइट ब्लड सेल्स बिकम. सो पैन साइटोपिनिया, हर तरह के सेल्स जो ब्लड के हैं वो कम हो जाते हैं. फिर वीएन एंड हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाती है, अगेन आपकी स्कल की बोन्स इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करना शुरू कर देती हैं, और आपको मिडल ईयर और इनर ईयर की बोन्स के बारे में तो बताया ही है कि वो फिर जब डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगी. और फिर चूंकि एसिड कम हो जाता है तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है किडनी के ऊपर, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बड़ा काम होता है. और वो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर आप डायोरेटिक्स पढ़ी हो अपनी अपनी फार्माकोलॉजी में, तो आप देखोगे कि वो जो डायोरेटिक्स हैं वो उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का बड़ा काम होता है और वो बड़ा हेल्प करती हैं मुख्तलिफ बॉडी की मुख्तलिफ जो एक्सक्रीशन वाला मटेरियल है उसको फिल्टर करने में. सो जब वो सही तरह से काम नहीं करता तो उसका किडनी पे भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में काम पे इम्पैक्ट हो रहा होगा, तो फिर वहाँ ट्यूब्यूल्स के अंदर उसे कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, वहाँ पे एसिड जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाना शुरू हो जाता है. ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, इवन दो बाकी बॉडी में कम हो रहा है लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से फिर फिल्ट्रेशन के मसले होते हैं और किडनी इंजरी हो जाती है, किडनी के मसले शुरू हो जाते हैं. ट्रीटमेंट इसमें क्या होती है, आपको अक्सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है, दैट इज द ट्रीटमेंट हियर. ठीक है, सो एक ही आपको दिखाया हुआ है कि क्या हो रहा है, बहुत सारे जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं और यू नो ऑस्टियोक्लास्ट इवेंचुअली डैमेज हो रहा है, तो
क्या उसे कहते हैं, जो बोन के अंदर बोन मैरो ने जो सेल्स बनाने थे ब्लड सेल्स, वो कम होना शुरू हो गए हैं, और बाकी सारी की सारी चीजें। ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट दिखाया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर आपको वहां पे पता चलेगा इसका फार्माकोलॉजी के अंदर। बहर सिर्फ ये याद रखिएगा कि इसकी वजह से, इस डेफिशिएंसी की वजह से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी हो रहा है। सो दिस वॉज ऑस्टियोपेट्रोसिस, ठीक है। इससे अब आगे बोन मैस वाला जो डिजीज है जिसको हमने पढ़ना है, डिक्रीज बोन मैस वाला, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत कॉमन इलनेस है। इसके बारे में अगर आपको अच्छी तरह से नहीं पता हुआ तो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट में फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें बोन मैस कम हो रहा है, ऑस्टियोपेट्रोसिस में इवेंचुअली बोन मैस ज़्यादा हो रहा होता है लेकिन पता नहीं चल रहा होता, मतलब काम का नहीं होता वो बोन मैस। मार्बल बोन बन रही है, नॉर्मली थिक बन रही है, लेकिन जो कि सही तरीके से उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, तो मतलब इस तरह से किसी काम का नहीं है वो। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मैस कम हो जाता है। अर्ली एडल्टहुड में बोन मैस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब व्हेन यू आर अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड और मे बी टिल 24-25, तब सबसे ज़्यादा बोन मैस होता है। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली नॉर्मली कम होना शुरू हो जाता है और स्लो नॉर्मल डिक्लाइन हो शुरू जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली वो बोन लॉस का एक्सेलरेशन होती है, मतलब जितना नॉर्मली डिक्लाइन होना था स्लोली स्लोली, वो उससे ज़्यादा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। बच्चों स्क्रीन नज़र आ रही थी कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ओके अच्छा, सो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बता रहा था कि जो नॉर्मल डिक्लाइन होता है बोन का, बोन मास का आफ्टर सर्टन एज, वो जैसे हमने पढ़ा था अभी एजिंग के अंदर भी, वो ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू होता है और तेज़ी से होना शुरू होता है। एक तो ऑब्वियसली एज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, एस्ट्रोजन कम होने की वजह से, ख़वातीन में जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिसिट्स की वजह से और जेनेटिक रीजंस की वजह से ये तेज़ हो जाता है। जितनी भी लैब्स होती हैं जो कि आपको बोन के बारे में बताती हैं, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट, पैराथायरॉइड हार्मोन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, वो सारे की सारी लैब्स में वो नॉर्मल होती हैं। ट्रीटमेंट इसकी बेसिकली डिपेंड करती है कि क्या कॉज है उसके ऊपर। तो अगर मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो जाती है, और इस तरह से थोड़ी कैल्शियम वगैरह ज़्यादा दी जाती है, इस तरह की इसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, अब किस तरह की टाइप्स होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, एक प्राइमरी टाइप है ऑस्टियोपोरोसिस की और एक इडियोपैथिक है। प्राइमरी पोस्ट मेनोपॉजल या सिनाइल, यानी कि जैसे बताया था सिनाइल ओल्ड एज में, पोस्ट मेनोपॉजल मेनोपॉज के बाद, इडियोपैथिक बगैर किसी कॉज के।
सेकेंडरी जो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपर पैराथायरायडिज्म, हाइपर थायरायडिज्म या हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म, पिट्यूटरी के ट्यूमर्स जो स्लोली स्लोली इवेंचुअली बोन के ऊपर इंपैक्ट करते हैं या जिनके जिनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो है बोन को डैमेज कर सकते हैं, डायबिटीज टाइप 1, एडिसन डिजीज, ट्यूमर हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, कार्सिनोमेटोसिस हो गया, जीआई कॉजेज, माल न्यूट्रिशन, व्हाट इज दिस, आई हैव नो आइडिया, हेपेटिक इनसफिशिएंसी, विटामिन सी एंड डी, मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन और रूमेटोलॉजिक डिजीजेस, मुख्तलिफ ड्रग्स आप जो लेते हैं एंटीकोएगुलेंट्स उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स के, एंटी एपिलेप्टिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स, और फिर इवेंचुअली ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा वगैरह जैसे शुरू हो गया, कॉलेजन डिजीज शुरू हो गया, इमोबिलाइज रही है बहुत देर बोन, पल्मोनरी डिजीज हैं या सिस्टीन के डिजीज हैं, होमोसिस्टिनूरिया हो गया, एनीमिया हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इवेंचुअली ऑस्टियोपोरोसिस भी कर सकती हैं क्योंकि इनका लिंक बनता है बोन मास के साथ इवेंचुअली। सो बोन जो है, जो नॉर्मल बोन होती है जो कि डेंस होती है, वो इसके अंदर आप देख लो कि किस तरह से उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स आपको अगर एक निमोनिक के थ्रू याद करा जाए तो वो वर्ड है एक्सेस, और एक्सेस से क्या बनता है, ए से अल्कोहल यूज, सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज, सी से कैल्शियम लो, ई से एस्ट्रोजन लो, एस से स्मोकिंग और एस से सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके अंदर होता क्या है, मेनोपॉज के बाद मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन कम हो गई तो काइफोसिस हो सकता है, सर्वाइकल लॉर्डोसिस हो सकता है, डॉर्सल काइफोसिस हो सकता है, और ज़्यादातर किसमें होता है स्लेंडर फीमेल कॉकेशियन एथनीसिटी अल्कोहल यूजर्स स्मोकर और स्टीरॉयड यूजर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, और बोन डेंसिटी जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और क्रश फ्रैक्चर्स हो सकते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे और उससे नीचे, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी अपर बॉडी का बोझ पड़ा होता है, और फिर हिप के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और कॉलिस फ्रैक्चर खास किस्म में फ्रैक्चर होता है जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, तो वो हो सकते हैं इसकी वजह से। अच्छा, इसके अलावा एक और डिजीज है जो ऑस्टियोक्लास डिसफंक्शन की वजह से होता है, उसे पेजेट डिजीज कहते हैं, ठीक है, या उसको ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट दोनों इम्बेलेंस हो गए हैं। पहले तो हमने सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट की बात की थी कि वो उसका डिफेक्ट हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वगैरह की वजह से, अब दोनों पागल हो गए हैं, और दोनों की पागलपनी की वजह से जो बोन का हालत हो रही होती है उसे मैट्रिक्स मैडनेस कहते हैं, ठीक है। क्या फेजेस होते हैं, पहले ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट उसको कंपेंसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बोन बनाते हैं, फिर उसके बाद बोन जो है वो उसका स्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ द वर्ड स्क्लेरोसिस, ये आपको बार 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 नज़र आएगा और आपको पूछना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज़ है। सो स्क्लेरोसिस का जो मतलब है, इट इज़ बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के अंदर आता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी आता है, और किसके अंदर आपने स्क्लेरोसिस पढ़ा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अलावा और कहाँ से स्क्लेरोसिस पड़ा है, सॉरी ये सारी वाम। स्क्लेरोसिस का बेसिकली मतलब है किसी चीज़ का सख्त हो जाना यार, हार्ड हो जाना, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि बोन का हार्ड हो जाना। इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी हाई हुआ होता है और यूरिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन का जो कि शो करती है बोन की क्या उसे कहते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स इवेंचुअली वो भी एलिवेट हुआ होता है। तो अगर आप इसमें देखो कुछ 85% जो पेजेस डिजीज है वो पूरी की पूरी बोन को कर रहा होता है इम्पैक्ट, 15% जो है वो सिर्फ स्कल और पेल्विस की बोन को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो पहला फेज ऑस्टियोलिटिक है, बोन रिजॉर्ब हो जा रही है फटाफट, दूसरा फेज ऑस्टियो ब्लास्टिक है या आप उसे कह सकते हैं कि मिक्स्ड फेज है क्योंकि उसके अंदर ऑस्टियो ब्लास्ट फिर फटाफट उधर बोन बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो अजीब व गरीब सी जो बोन बन जाती है कहीं से कम कहीं से ज़्यादा वो ऑस्टियोस्क्लेरोटिक बोन होती है, ठीक है। और उसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जहाँ पे बोन नहीं बननी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा बन गई है, जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा होता है। तो इसके अंदर पेजेस डिजीज़ के अंदर एक तो आपका माथा मिसाल के तौर पर थोड़ा आगे को निकल सकता है, उसे फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं, और फिर अगर आपकी बोन्स एयर की इम्पैक्ट हो जाएंगी, डेफनेस होगी, काइफोसिस होगा बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एंड बो लेग आपकी लेग्स होंगी, और बोन पेन और एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स हैं पेजेस डिजीज के। अब इससे मिलता जुलता डिजीज था ये वाला जो कि ऑस्टियोपेट्रोसिस था,
ऑस्टियोपेट्रोसिस में याद रखना ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्व नहीं कर पाता बोन को, इसमें याद रखना पेजेट्स डिजीज में ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्व कर रहा होता है, ज़्यादा कर रहा होता है, ठीक है, और इसके बाद फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है, और फिर पेन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई हो अगर आपको नज़र आए इस किसी की लैब रिपोर्ट्स में, तो उसका मतलब है कि उसे पेजेट्स डिजीज के चांसेस हैं। ओके, साइन एंड सिम्टम्स याद करने का, एक निमोनिक जैसे पैनिक्स कह सकते हैं, उसके अंदर पेन होती है, आर्थरल्जिया यानी कि जॉइंट पेन, नर्व कंप्रेशन, न्यूरल डेफनेस हो सकती है क्योंकि बोन बड़ी होती जा रही है, नर्व को कंप्रेस करेगी, नर्व को कंप्रेस करेगी तो फिर डेफनेस वगैरह उसकी वजह से भी हो सकती है अगर एट क्रेनियल नर्व कंप्रेस हो रही है, और बोन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, और इवेंचुअली कार्डियक फेलियर वगैरह भी हो सकता है, और वर्टिब्रा और स्कल जो है वो ज़्यादा हार्डन हो जाते हैं, और फिर इवेंचुअली आपकी जो स्पाइन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और टाइप्स ऑफ डिजीज हैं जो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस का कहा था, अब आगे ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स वाली बातें आ गई हैं। एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन, मिनरल्स के अंदर मसले हों, मिनरल होमियोस्टेसिस के मसले हों, तो उसकी जो बीमारियां हैं उसमें एक रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया आ जाता है जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है या उसका डिसफंक्शन होता है, एक हाइपरपैराथायरॉइडिज्म आ जाता है और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी आ जाती है। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म के अंदर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, उसके अंदर पैराथायराइड का ट्यूमर हो सकता है, एडिनोमा, इसके अंदर पूरा स्केल्टन वॉल्व होगा और इसके अंदर एक स्पेशल इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बोन्स के ऊपर, उसे ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस सिस्टिका कहते हैं या ब्राउन ट्यूमर कहते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ आगे। और एक और चीज़ हो सकती है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म जो रीनल डिसऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है, अगर आपकी किडनी इम्पैक्ट हो रही है तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली मिनरल्स जो हैं वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल मिनरल होम्योस्टेसिस होता है। सो रिकेट्स और ऑस्टियोप्लेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में होता है कि जो ऑस्टियॉइड है उसकी मिनरलाइजेशन ऑस्टियॉइड है ऑस्टियॉइड किसे कहते हैं, जो बोन के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो मिनरलाइजेशन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट ने इवेंचुअली जो मिनरल्स बोन के अंदर लाने थे वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, और ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस डिफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी लेवल कम होता है, क्योंकि प्राइमरी रोल विटामिन डी का ये होता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को ब्लड में मेंटेन करवाए, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कम सन एक्सपोजर की वजह से, कम डाइट की वजह से या पुअर डाइट की वजह से, पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से और लिवर या रीनल फेलियर की वजह से भी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वीक बोन होती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लैब फाइंडिंग में आपको क्या मिलेगा, सीरम कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट कम होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा होगा। एल्कलाइन जो फॉस्फेटेज है वो बेसिकली एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाता है, और एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैल्शियम जो है वो आसानी से ऑस्टियॉइड के अंदर उस बोनी मटेरियल के अंदर डाली जा सकती है जो पूरी बोन बनाती है। सो बोनी मटेरियल मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ऑस्टियॉइड यूज़ कर रहा हूँ, आपने लास्ट लेक्चर में अभी जो मैंने तुम्हें स्लाइड्स दिखाई थी उसमें जो ऑस्टियोसाइट्स बन रहे थे और उसके इर्द गिर्द का जो कनेक्टिव टिश्यू मटेरियल था दैट इज नोन एज ऑस्टियॉइड, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं या उसके अंदर ये सारा कुछ होता है। सो विटामिन डी जब बच्चों में कम होता है तो अगेन इनकी पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी होती है, अगर आपने पिजन का सर से नीचे की जो ब्रेस्ट देखी होगी वो थोड़ी सी आगे को निकली होती है, तो यहाँ पे इनकी चेस्ट पे हल्का सा आगे को पिजन की तरह की थोड़ी सी ब्रेस्ट आगे को निकली हुई होगी इन द किड्स। फ्रंटल बॉसिंग अगेन जो उनका माथा होता है वहाँ पे प्रोट्यूबरेंस हो जाती है, बाहर को आगे को निकला होता है। रैशियटिक रोजरी ये होता है जब आपकी जो एंड्स हैं रिब के वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाए, तो वो रिब के जो एंड्स एक्सपैंड हुए होते हैं वो गोल गोल आपको नजर आ रहे होते हैं रिब्स के एंड पे। फिर लेग्स जो हैं वो बो कर जाती हैं, ठीक है, और फिर ऑस्टियॉइड मुख्तलिफ जगह पर डिपॉजिट हो रहा होता है, जहाँ पर डिपॉजिट होना होता है वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो रहा होता। अगेन फॉन्टेनेलाज होते हैं जो बच्चों के सूचर्स होते हैं स्कल के, वो डिले हो जाते हैं, बंद नहीं होते। फ्रंटल बॉसिंग हो जाती है, डेंटल हाइपोप्लेजिया हो जाता है, पेक्टस कैरिनेटम अगेन पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी, क्रेनियोटेबीज क्रेनियल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, सूचर वाइड रह जाते हैं, रैशियटिक रोजरी ये जो आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ दोज क्या उसे कहते हैं एंड्स ऑफ रिब्स, हैरिसन सल्कस जब यहाँ पे ये एक आगे को पिजन की तरह की ब्रेस्ट हुई हुई है तो उसके नीचे एक ग्रूव बन जाता है विच इज़ नोन एज हैरिसन सल्कस। फिर लेग्स बोर्ड होती हैं और जॉइंट्स में स्वेलिंग हुई होती है, एंकल जॉइंट्स में, रिस्ट जॉइंट्स में। तो ये आपको एक क्रिकेट्स में बच्चों को अंदर ये आपको होता नजर आएगा। अच्छा, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में
क्या होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, जब पैराथायरॉयड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और पैराथायरॉयड बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, तो वो फिर कैल्शियम बोन से निकाल के, बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालना शुरू कर देता है। उस सारे प्रोसेस को जो उसका जो बोन पे इम्पैक्ट होता है, वो फाइब्रस सी और सिस्टिक स्पेसिस वाली बोन बन जाती है, उसे ब्राउन ट्यूमर भी कहते हैं, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका भी कहते हैं। दिस इज अ फीचर ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सो उसके अंदर इवेंचुअली फिर मिनरल की अगेन प्रॉब्लम है। मिनरल्स कैसे डैमेज होना शुरू हो रहे हैं प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म में? प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म जाके बोन्स पे जब पैराथायरॉयड हार्मोन इम्पैक्ट कर रहा है तो बोन से कैल्शियम निकाल ही जा रहा है। सो दैट इज हाउ दिस इज अ डिस्टर्बेंस इन मिनरल होमियोस्टेसिस। फिर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या होती है? रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी तब होती है जब आपका किडनी जो है वो बहुत देर के लिए डैमेज हो जाए, यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए। उसके अंदर फिर फॉस्फेट रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और ब्लड में फॉस्फेट कम होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम ब्लड में कम होना शुरू हो जाती है, पैराथायरॉयड हार्मोन फिर इवेंचुअली ज़्यादा होता है, ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्सीहेपेटाइट्स मैट्रिक्स से निकल रहे होते हैं ताकि बॉडी की मिनरल नीड्स को पूरी करें। लेकिन मसला असल में किडनी का होता है। किडनी जब अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही होती और उसकी वजह से, अब किडनी ने, किडनी का बहुत बड़ा रोल है फॉस्फेट और कैल्शियम को निकालने में बॉडी से या उसको रिजॉल्व करने में, जब वो रोल उसका ख़राब होना शुरू हो जाता है तो पीछे जितना भी उन केमिकल्स का, उन मिनरल्स का जो बैलेंस था वो सारे का सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर उस बैलेंस को ठीक करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन आके कोशिश करता है कि मैं सही करूँ, तो वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं कि हम किसी तरीके से कोशिश करें कि ये ठीक हो, लेकिन वो मसला बेसिकली किडनी के अंदर हो रहा होता है। तो इसकी वजह से भी फिर मिनरल्स के अंदर, बोन मिनरलाइजेशन के अंदर और मिनरल होमियोस्टेसिस के अंदर डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस एवेस्कुलर या एसेप्टिक नेक्रोसिस भी उसे कहा जा सकता है। उसका कॉज जो इस्कीमिया, यानी कि ब्लड नहीं पहुंच रहा, इंट्राऑस्टियस प्रेशर ज़्यादा होगा किसी वजह से, बोन का प्रेशर, बोन बड़ी हो गई तो जो वेसल उसके अंदर आनी थी वो दबना शुरू हो गई, तो जब वो वेसल दबना शुरू हो गई तो ब्लड नहीं पहुँच रहा, ब्लड नहीं पहुँच रहा तो फिर इवेंचुअली एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। ट्रामा की वजह से हो सकता है, स्टीरॉयड्स कुछ इस तरह कॉजेस करते हैं, थ्रॉम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रॉम्बो एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, रेडिएशन इंजरी हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, और उसके अलावा हाइपरटेंशन है, वीनस हाइपरटेंशन, उसकी वजह से भी हो सकता है। बेटा स्लाइड्स शो हो रही हैं? बेटा कैन यू सी द स्लाइड्स? यस सर। यस सर। लोग कह रहे थे नहीं शो हो रही। अच्छा, ऑस्टियोनेक्रोसिस के साथ और कौन कौन सी बीमारियां एसोसिएटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्लिनिकल सिनेरियोस के लिए एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ट्रॉमा की वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस, ऑब्वियसली ट्रॉमा से ब्लड वेसल डैमेज हुई तो ऑस्टियोनेक्रोसिस हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, अल्कोहल अब्यूज, ये बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी चीज़ें। फिर इन्फेक्शन की वजह से डिसबारिज्म, डिसबारिज्म होता है जब कंप्रेशन सिकनेस हो रही हो, ठीक है, किसी वजह से बेरोट्रामा या प्रेशर की वजह से ट्रामा हो रहा हो, मिसाल के तौर पर जब बाहर आपके करीब कहीं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो या बम फटे, तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन, ये ज़रूरी नहीं होता कि उसकी आग की वजह से डैमेज हो, उसकी वजह से जो प्रेशर वेव्स निकलती हैं उसकी वजह से भी डैमेज होता है, उसे डिसबारिज्म कहते हैं। उसकी वो प्रेशर वेव हो सकती हैं और भी प्रेशर वेव्स हो सकती हैं। रेडिएशन थेरेपी वो डिसबारिज्म की एक एग्जाम्पल है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से वेसल्स डैमेज होकर ऑस्टियोनेक्रोसिस करवा सकती हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी में होता है। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसे गॉशर डिजीज कहते हैं, उसके अंदर हो सकता है। सिकल सेल और बाकी एनीमियाज के अंदर होता है जब इवेंचुअली ब्लड सही तरह से पहुंच नहीं रहा हो। फिर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो उसके अंदर हो सकता है, ट्यूमर्स मुख्तलिफ हो जाए उसके अंदर हो सकता है, एपिफिजियल कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर हो सकता है ऑस्टियोनेक्रोसिस, ठीक है। सो ऑस्टियोनेक्रोसिस के अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस का समझ आ गया, इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा सही तरह से तो बोन की डेथ हो रही है। वो किस किस वजह से नहीं पहुंच रहा वो आपको बता दिया। फिर ऑस्टियोमेलाइटिस एक बीमारी है। ऑस्टियोमेलाइटिस में क्या होता है? ऑस्टियोमेलाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ द बोन, ठीक है। पायोजेनिक जो बैक्टीरिया की वजह से होता है वो स्टेफलोकॉकस बैक्टीरिया, ई कोलाई की वजह से, सुडोमोनास की वजह से, क्लेब्सियला की वजह से, सैल्मोनेला की वजह से, ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया के नाम है जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है बोन का। और ये फिर स्प्रेड कैसे करता है? ब्लड के थ्रू, या साथ वाली जो बोन है या अगला जो जॉइंट के साथ जो लगी दूसरी बोन है उस तक स्प्रेड कर जाएगा, या डायरेक्टली ये जो हैं बैक्टीरिया काम कहीं पे जाके बोन के ऊपर लग जाएंगे।
इसके अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस टीबी की वजह से भी हो सकता है, कई दफ़ा टीबी भी बोन्स में हो जाती है तो उसकी वजह से भी बोन का इन्फेक्शन होता है। फिर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस, वो भी जाके बोन्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस कैसे होता है, एक साइड पर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई जिसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस भी हो जाता है, जो कि साथ होता है कई दफ़ा ऑस्टियोमाइलाइटिस के। अभी हमने ऑस्टियोनेक्रोसिस के कॉजेज में इन्फेक्शन भी पढ़ा था। तो अगर इन्फेक्शन हुआ एक साइड पर, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई और वहाँ पर एब्सेस बनना शुरू हुई, और फिर वो एब्सेस जो है इवेंचुअली वहाँ से ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से जो बोन डेड हो जाएगी दैट इज़ नोन एज सिक्वेस्ट्रम, और जो नई बोन उसकी जगह बनना शुरू होगी, ऑस्टियोब्लास्ट कहेगा अच्छा मुझे बोन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो वहाँ पे तो बना नहीं पा रहा होगा क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, तो वो जहाँ पे नई बोन बनाएगा उसको इन्वोलोक्रम कहेंगे, वो उससे थोड़ा सा साइड पर करके होगी। तो इस तरह से ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, ठीक है। यह आपको बीच में, अगर आप इसको हिस्टोलॉजिकली देखें तो आपको बीच में पस की एक्यूमुलेशन नज़र आएगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, सब पेरिओस्टियल एब्सेस बन सकती हैं, यानी कि जो पेरिओस्टियम जो कवरिंग होती है बोन की उसके बिल्कुल नीचे एक एक्यूमुलेशन ऑफ पस हो जाए, ठीक है, जो कि और पेन करेगी। साइनस ड्रेन करता रहे, मतलब वहाँ से बार बार पस ड्रेन होती रहे, ठीक है। और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब साथ वाला जॉइंट इन्वॉल्व हो जाए और फिर आगे फैल जाए ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है। स्क्वेस्ट्रम जो है वो डेड बोन है और इन्वोलक्रम जो है वो न्यू बोन है। अगर आप इसको देखो एक्सरे करके तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से बोन खाई गई है और इन्फेक्शन की वजह से, और उसके साथ यहाँ पे थोड़ी बोन ज़्यादा हुई हुई है, तो दिस इज़ द स्क्वेस्ट्रम एंड दिस इज़ द इन्वोलक्रम, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक तो, और कौन कौन सी कॉज की वजह से होते हैं, टीबी की वजह से होते हैं। अगर टीबी हो जाए और टीबी जो है वो ब्लड के अंदर फैलता है, तो जो टीबी हो जाए और ब्लड के थ्रू फैलता है वह बोन्स पर पहुँच जाए, तो वो भी ऑस्टियोमाइलाइटिस कर सकता है। और अगर स्पाइन का टीबी हो तो उसे पॉट्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। इवेंचुअली वो स्पाइन को इतना इम्पैक्ट करना शुरू होता है, कई दफ़ा बेंड होना शुरू हो जाती है। सो अगर टीबी हो स्पाइन का, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्योंकि इन्फेक्शन है वो और इन्फ्लेमेशन है वो, उसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। और सिफिलिस जो है वो कंजेनिटली, मतलब एक मदर को सिफिलिस थी, फिर जो उसका बेबी होगा उसको भी ट्रांसमिट हो जाएगी। और टर्शरी जो है, सिफिलिस की तीन स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जब पूरा फैल जाता है सिफिलिस टर्शरी स्टेज में, लास्ट स्टेज में, वो ज़्यादातर जो टीबिया होती है आपकी, जो लेग्स की बोन्स होती हैं उन पे जाके फैलता है, उसको सेबरेशंस कहते हैं, क्योंकि लेग बोन्स या टीबिया बोन्स जो हैं वो टीबिया जो इसको शिन भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज़ मोस्टली ऑफ ड्यू टू सिफिलिस, ठीक है। सो ये आपको बताया हुआ है कि टीबी की वजह से ज़्यादातर स्पाइन में इम्पैक्ट होगा और सिफिलिस की वजह से ज़्यादातर टीबिया बोन में या शिन में इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल है इसमें से पूछने वाला तो वो कर लें, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज़्यादा बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियाँ बताई हुई हैं। सो आपसे बीमारियों का जब पूछा जाएगा तो इनके कॉजेज़ के बारे में क्लिनिकल सिनेरियो में पूछा जा सकता है, इनके क्या उसे कहते हैं साइन सिम्टम्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, और फिर जो बेसिक मैकेनिज्म है जैसे इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी है किसी में, ये जो हेडिंग लिखी हुई है ना इसी के अंदर मैकेनिज्म भी है। अक्सर हेडिंग्स जो हैं जो डिजीज बता रही हैं उसके अंदर मैकेनिज्म बताया हुआ है, ठीक है। और फिर फेजेज हैं उस मैकेनिज्म के, उसके बारे में पूछा जा सकता है। लैब रिपोर्ट्स पे क्या नज़र आ रहा होगा, क्यों नज़र आ रहा होगा, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्यों के बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि क्यों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी, वो फ़िलहाल अभी मैंने आपको इतनी नहीं करवाई हुई, ठीक है। कुछ समझ आ गई है, थोड़ी बहुत तो आ गई होगी। यस सर आ गई है। चलें ठीक है, वी आर डन विद दिस लेक्चर। अब कोई पूछ रहा है कि अगले क्विज में कौन कौन से लेक्चर इन्वॉल्व होंगे। आज तक जितने लेक्चर्स किए हैं, ये 11वां लेक्चर था एक तरह से, तो इस तक जितने भी लेक्चर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे अगले क्विज में, आज तक के जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है। ओके सर, इसको तैयार कर लें। मुझे अब आइडिया नहीं है कि मिड्स से पहले लूँगा या मिड्स के बाद लूँगा, अगर मिड्स के बाद लूँगा तो फिर वो सिलेबस चेंज हो जाएगा। सर मिड्स ऑन कैंपस होंगे या ऑनलाइन होंगे? बेटा पता नहीं है, अभी प्रोबेबली मिड्स ऑनलाइन हो जाने चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है, और फाइनल्स ऑन कैंपस हो जाएं या
क्योंकि अभी बच्चे भी पूरे नहीं हैं और काफ़ी मसले हैं तो, और गर्मी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा है कि बस। सर कल ना डीन्स और रेक्टर की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा है कि ऑन कैंपस होंगे मेट्स, आपकी जितनी भी अब असेसमेंट होगी ना वो ऑन कैंपस होगी। चलो अच्छी बात है, फिर सारे स्टूडेंट्स को बुला भी लेना वो टाइम पे। सारे स्टूडेंट्स हैं नहीं, कुछ स्टूडेंट्स इस कंट्री में नहीं है, कुछ कहीं हैं कुछ कहीं हैं, तो वी हैव टू फिगर दैट सर आउट। सर एक एक क्लास में इतने बच्चे हैं, ये कैसे मैनेज करेंगे? जी ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ना, पॉलिसी पहले बन जाएगी, फिर उसके बाद डिसीजन लेते वक्त बंदा सोचता है कि अच्छा अब क्या क्या चीज़ें यस करने सर, वाली हैं, तो उसमें देख लेंगे। तुम्हें बुलाएंगे मैनेज करने के लिए। सर सबने देना है क्विज, नहीं देना तो कोई मसला नहीं है, 0 लग जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। अब गूगल फॉर्म यूज करने आ गए ना तुम लोगों को? जी सर आ गए हैं, 2 मिनट ओके पहले अपना क्विज खत्म कर लेना है। जी, क्योंकि देखो अगर मैं आपको 25 मिनट्स देता हूँ तो द टाइम स्टार्ट्स एट 0 मिनट, तो 0 मिनट से लेके 59 सेकेंड्स तक 1 मिनट पूरा हो रहा है, जो 60th सेकेंड है वो अगला मिनट का स्टार्ट है, तो 60th सेकेंड पे आपको सबमिट नहीं करने देता, या तो आप 59 सेकेंड्स तक उसको, इतना आपकी वॉच जो है उसके साथ कैलिब्रेट हुई हुई हो या आपकी क्लॉक्स उसके साथ कैलिब्रेट हुई हो कि एग्जैक्ट सेकेंड्स और मिनी सेकेंड्स का आपको पता चल रहा हो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसलिए 2 मिनट पहले उसको कर दिया करो। अगर मिसाल के तौर पर मैं 8 बजे आपका क्विज रखता हूँ और 25 मिनट्स देता हूँ आपको, तो 8:25 तक नहीं क्विज ख़त्म होता, 8:24 एंड 59 सेकेंड्स तक सबमिट करने का टाइम होता है, सो यू वुडंट नो अबाउट द 59 सेकेंड, तो इसलिए 8:23 तक उसको सबमिट करोगे तो बचोगे। ओके सर, चलिए ठीक है बेटा, आई विल। हाँ जी सर आप सिनेरियो क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे हमें? बेटा, बता तो रहा हूँ किस तरह से सिनेरियोज आएंगे। देखो एक बात याद रखना, डिपेंड करता है कि किस आपको क्या पूछा जा रहा है। आपने सबसे पहले जो सिनेरियो क्वेश्चन में देखना होता है, आखिरी लाइन पढ़नी होती है उस सिनेरियो क्वेश्चन की, और आगे जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनको पढ़ना है। आखिरी लाइन और ऑप्शंस पढ़ने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी की किस हिस्से से पूछा जा रहा है, ठीक है? मिसाल के तौर पर एटियोलॉजी का पूछा जा रहा है, या लैब्स का पूछा जा रहा है, या साइंस सिम्टम्स का पूछा जा रहा है, या पैथोजेनेसिस का पूछा जा रहा है, क्योंकि आगे उस तरह की बात देखी हुई होगी, ठीक है? फिर आपका माइंड सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करेगा, फिर जो आगे इतनी लंबी स्टेटमेंट पढ़ोगे या कहानी पढ़ोगे उस कहानी के अंदर आपका दिमाग सिर्फ उस चीज़ को पिक करने की कोशिश करेगा। सबसे 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 पहले लास्ट लाइन और ऑप्शंस पढ़ लो कि क्या दी हुई है, फिर उसके बाद बाकी कहानी देखो। और उसके अंदर ब्लाइंडिंग टेक्निक ये होती है कि मिसाल के तौर पर मैं बीमारी का नाम नहीं लूंगा लेकिन उस बीमारी के सिम्टम्स बता दूंगा, जैसे मिसाल के तौर पर अब इन्फेक्शन की वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है? तो मैं टीबी के बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने आपसे निकलवाना ऑस्टियोमेलाइटिस है डायग्नोसिस, तो मैं टीबी की बीमारी के साइन सिम्टम्स थोड़े से आपको बता दूंगा, ठीक है? और ये प्रॉबेबली बता दूं कि टीबी डायग्नोज हुई है या नहीं हुई, लेकिन आगे जाके पॉट्स डिजीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपसे ये निकलवाने की कोशिश करूँगा कि इससे एसोसिएटेड जो मैकेनिज़म होता है वो ऑस्टियोनेक्रोसिस होता है, तो वो कैसे होता है, ठीक है? इस तरह से पूछा जा सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा और आपसे खुद भी बनवाऊंगा और फिर आपको पता चल जाएगा। चलें ठीक है बेटा, डन विद दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।